धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बताया कि 1,40,000 लोगों को नए रोजगार मिलेंगे और 1,59,000 पर कार्रवाई चल रही है। मेरा प्रश्न ये कि RRB जो परीक्षा लेती है स्वाति महोदय, तो बिहार के लड़कों को चेन्नई जाना पड़ता परीक्षा देने के लिए, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, यद्यपि सरकार ने ट्रेन चलाई उसके लिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगी, क्या सरकार जब अगली परीक्षा होगी तो उसी राज्य में परीक्षा हो चुकी है तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसी राज्य में सेंटर रखे जाएं या बगल के पड़ोसी राज्य में रखे जाएं, झारखंड में, बंगाल में, न कि लड़कों को आंध्र और चेन्नई जाना पड़े, तो क्या सरकार इसके बारे में विचार करेगी? सर, महोदय ने जो प्रश्न पूछा है वो प्रूव करता है कि किसी भी स्टेट के साथ पार्शियलिटी नहीं है। जो ऑनरेबल अभी सांसद महोदय पूछ रहे थे कि क्या तमिलनाडु के प्रति कोई भेदभाव है, नहीं सर। जो सदर्न रेलवे का RRB है उसके सारे एग्ज़ाम चेन्नई से कंडक्ट होते हैं, तो देश का जो भी व्यक्ति सदर्न रेलवे के एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहे उसको नेचुरली सदर्न रेलवे के निर्धारित सेंटर्स में जाना ही चाहिए। इसमें कोई नई बात नहीं है। रही बात एक और सेंटर्स की दूरी की, इसमें मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा माननीय चेयरमैन सर, पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में एक बहुत बड़ा इश्यू होता था नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती थी बिकॉज डिफरेंट डेज और डिफरेंट शिफ्ट्स में जो रिज़ल्ट आता है उन रिजल्ट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बट वेरी साइंटिफिक फार्मूला बनाया हुआ था। इट वॉज़ अ गुड मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव्ड आउट ऑफ IIT के प्रोफेसर्स ने बनाया था। उससे लेकिन लोगों में एक स्पष्टता नहीं आती थी। दैट्स वाई वी डिसाइडेड that all the exams should be done in one day, single day, so that normalization की ज़रूरत नहीं पड़े। इसी के लिए कुछ केसेस में, कई सारे केसेस में डिस्टेंस ज़्यादा पड़ी सेंटर्स की, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी उससे दूर हो गई। जितना अभी इंट्रैक्शन हुआ है स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ और जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब ने इस चीज़ को बहुत सहर्ष वेलकम किया है। और इससे एक जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता था हमेशा कि भाई मेरे मार्क्स कितने हैं, मैंने अगर 48 लिया और नॉर्मलाइजेशन के बाद में कोई दूसरा नंबर आ रहा है तो दैट कन्फ्यूजन इज़ नाउ गॉन्स। सो दैट्स अ वेरी नाइस इनोवेशन दैट वी हैव डन इन दिस एंटायर एग्जाम प्रोसेस।